अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त। आपका तेल गरम करके एक बड़ी सी प्याज मैंने पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज गोल्डन हो गई है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 छोटे छोटे टमाटर का प्यूरी। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 किलो हड्डियों वाला गोश्त धुला हुआ। अब हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे जब तक कि मसाले की कच्ची स्मेल ना चली जाए और तेल नज़र ना आने लगे। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। टमाटर के गलने तक और तेल नज़र आने तक मैंने गोश्त को मसाले के साथ भून लिया है। अब मैं आधा कप इसमें हरा धनिया पुदीना ऐड कर रही हूँ। पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं ये मिर्ची को मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी और अब इसको प्रेशर कुक कर लेंगे सीटी बजने के बाद से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे 20 मिनट तक इसको गला लिया। गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें 400 ग्राम फूल गोभी ऐड कर रही हूँ धुली हुई। अब इसको प्रेशर कुक कर देंगे, बस 1 सीटी लेकर गैस ऑफ कर देंगे। 1 सीटी में गोभी अच्छी गल चुकी है। गोभी गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो बस लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।